सभी को जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि तो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, तो उसी सीरीज में सिलेक्शन सीरीज में आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की क्लास नंबर 9 लेकर के आए। इससे पहले 8 क्लास हो चुके हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखे। तो चलते हैं बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। बनी चट्टानों को क्या कहते हैं आप लोग, इसका आंसर करिए। आंसर नंबर एक है अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, और क्वेश्चन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टाने कहते हैं। चलते हैं, इस क्लास में आप लोग को 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है। जो आपने अभी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी के लिए मिशन यूनिवर्सिटी की पूरी टीम लगी है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो, अग्नेय सेल कहलाते हैं कठोर सेल, मौलिक सेल, गौड़ सेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक सेल। अग्नेय सेल जो होती हैं वो मौलिक सेल कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अग्नि चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म लावा के ठंडे होने से अग्नि चट्टानें बनती हैं। और आप लोग अगर जो कोई डाउट या जानकारी चाहिए तो ये देखिए, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को क्लास नोट्स वहीं पर मिल जाएंगे और आपके सारे सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, और साथ ही और अधिवित लीय चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में, अधिवित लीय या प्लूटेनिक, मतलब ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधि वितलीय या प्लूटोनिक, बाकी ये सब आपके गलत हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि सेलों से ढका है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि सेलों से ढका है। ऑप्शन नंबर ए 75%, 65%, 70% और 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75% औषधीय सेलों से ढका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, जो धरातल है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब लोग ऑप्शन नंबर ए अग्नेय, ऑप्शन नंबर बी अवसादी, ऑप्शन नंबर सी कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर नंबर बी औषधीय चट्टान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7-8 पर, भूपृष्ठ की बनावट में औषधीय सेलों योगदान है, आप सब मतलब औषधीय सेलों का क्या योगदान है, कितने प्रतिशत का, 5%, 8%, 10% और 15%। तो इसका आप लोग राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर नंबर ए 5% योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, तो क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला और ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा कोयला है जैविक चट्टान के रूप में आती है, कोयला जैविक चट्टान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर,
कोयला किस चट्टान के पाया जाता है, मतलब कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान और अग्नि चट्टान। तो इसका राइट आंसर आप लोग करिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान, परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। तो आपकी क्लास यही तक, यही 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन कर लीजिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर करवाए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए डाउट सेशन भी रखे जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए और अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन सुनिश्चित करिए। अगर जो आपको क्लास सर्टिफिकेट को भी डाउट है तो हमसे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें एज ए एडमिन हमारा नंबर ऐड है, आप लोग सीधे कॉल भी करके हमसे बात कर सकते हैं। तो और हमारी प्ले लिस्ट भी बनी है, तो आप लोग, और एक बात और कि आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।